पहले पार्ट में आपने देखा कि एक मच्छर पापा के सर पर आकर बैठ गया, और जैसे ही मम्मा ने उस मच्छर को मारा, पापा के सर पर चोट लगती है और वो अपनी याददाश्त खो बैठते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। The next day. कितनी बार बोला है एक काम वाली लगा दो, पर नहीं, सारे काम करने के लिए ये है ना एक इकलौती दीपाली, यही करेगी सारे काम। तरस नहीं आता बिल्कुल भी कि एक काम वाली लगवा दे, कुछ करना पड़ेगा यार, ऐसे अकेले कब तक मरती खपती रहूंगी। आइडिया, मजा चखाती हूँ इनको। अरुण उठो। हाँ हाँ हाँ, क्या हो गया यार, क्या हो गया? अरे सुबह हो गई क्या? अरे दीपाली एक कप चाय ले आओ प्लीज। मेरा नाम कैसे याद है? अरे अरे मैं कहाँ गया हूँ, अरे मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है यार, मैं कहाँ गया हूँ, कहाँ हूँ मैं? अरे मैडम मैडम एक कप चाय ले आना प्लीज, एक कप चाय। चाय ये होटल समझ के रखा है क्या? चलो उठो सफाई करो घर की। सफाई? मैं सफाई करूंगा? और कौन करेगा, तुम्हें तो कुछ याद है नहीं, तो याददाश्त जाने के बहाने तुम आराम नहीं कर सकते। घर की सारी सफाई, झाड़ू पोछा, डस्टिंग तुम्हारा काम था, चलो लगो काम पे, मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। ठीक से करो, उधर से जाओ, उधर से जाके करो, मेरे ऊपर क्यों कर रहे हो? ठीक से करना। अभी मैंने पोछा लगाया है, पूरा फ्लोर गीला है, पूरा गंदा कर देगी यार तू। अब पता चला जब मैं घर में पोछा लगाती हूँ तुम गीले में सारे घर में घूमते फिरते हो और मुझे दोबारा पोछा लगाना पड़ता है, अब पता चला कैसा लगता है? मैं कहाँ हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है, मैं कहाँ हूँ, कहाँ हूँ मैं यार? तुम इस घर के नौकर हो, घर के सारे काम तुम करते हो, चलो फटाफट पोछा निपटाओ, बाजार से सामान लाना है, और सुन लो क्या क्या लाना है, बार बार नहीं बताऊंगी। 2 किलो आलू, 1 किलो प्याज, 1/2 किलो टमाटर, 1 ब्रेड, धनिया मिर्ची नींबू आंबी और क्या था, सेब संतरे केले, और हाँ पत्ता लगाना। अब आयो, इतनी देर लगा दी, चलो प्याज काटो फटाफट, बच्चे आने वाले हैं, इतनी देर लगा दी आने में, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, खाना भी बनाना है। भगवान है कहाँ रे तू, मतलब मैं इतना काम करता था जब मैं नॉर्मल था? इतना काम, वो तो तुम्हारी याददाश्त चली गई, बीमार हो तो थोड़ा काम करवा रही हूँ, घर में हजारों काम होते हैं। अरे शर्मा यार, मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। क्या हो गया? अरे यार बीवी ने पूरी घर पे काम करवा करवा के मेरे तो पसीने निकलवा दिए। मतलब इनको सब याद है, ये मेरा टेस्ट ले रहे हैं, मर गए। अरे मैम साहब, और कुछ काम है क्या? काम? और तुमसे? अरे नहीं नहीं नहीं, वो तो मैं बस ये देख रही थी कि काम के प्रेशर से कहीं तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए तो कितना अच्छा होगा, मैं और तुमसे काम करूं। ना ना ना, देखो तुम्हारे लिए चाय बना रही हूँ, नाश्ता बना रही हूँ, तुम बैठो जाओ लेटो आराम करो, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। मम्मी क्या बना रही हो? पापा के लिए स्नैक्स बना रही हूँ, तुम्हें पता है तुम्हारे पापा को सब याद है, वो हमारा टेस्ट ले रहे हैं। अच्छा, मजा चखाना पड़ेगा उनको, बहुत शाने बन रहे हैं ना। अरे अरे ये मेरे पर्स में से पैसे क्यों निकाल लियो, 5,000, 1,500 रुपए। अरे ये तुम्हारे पैसे, ये तुम्हारे पैसे नहीं है, ये मेरे पैसे हैं, ये मेरा घर है, भूल गए? हाँ मैं नीचे जा रहा हूँ, मैं घर पे बैठे बैठे बोर हो गया, आधे घंटे में आ जाऊंगा। अरे तुम कहाँ जा रहे हो, अकेले जाओगे रास्ता भूल जाओगे, तुम्हें समझ भी नहीं आएगा कुछ रास्ता कहाँ जाना है कैसे जाना है, भूल गए, तुम्हारी याददाश्त गई हुई है। हाँ ठीक है ठीक है, तुम चलो मेरे साथ। मैं नहीं आ रही, मेरे को बहुत काम है रसोई में, जा रही हूँ मैं। बच्चों तुम चलो मेरे साथ। अरे नहीं पापा, हमको बहुत सारा होमवर्क है। ऐसा करते कल चलेंगे। बेटा होमवर्क हो गया, खाना लगा दूं? मम्मा हम लोग पढ़ पढ़ कर बोर हो गए, पापा की वजह से हम कहीं घूमने भी नहीं जा पा रहे हैं। चिंता मत करो बेटा, पढ़ाई होमवर्क खत्म कर लो, पढ़ाई खत्म कर लो, फिर हम खाना खाएंगे और शाम को हम घूमने चलेंगे, मूवी मूवी चलेंगे। वाओ मूवी, ये। हाँ बेटा वो क्या है ना, मैंने हॉस्पिटल में डॉक्टर को फोन किया था, उन्होंने बोला है कि पापा की तबीयत बहुत खराब है, उनको हम दिमाग पे प्रेशर नहीं डाल सकते, इसलिए वो 10 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहेंगे और हम उनसे मिल नहीं सकते, तो जब उसको उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा कर आएंगे
वहाँ से निकल के हम मूवी चले जाएंगे। मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे को हॉस्पिटल में प्लीज मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट मत कराना। मैं याददाश्त होने का सिर्फ तुम लोगों से मजे ले रहा था बस। तो हम भी आपके मजे ले रहे थे।